आमतौर पर हरियाणा और पंजाब में मानसून जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई से पहले दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार मानसून के लिए हरियाणा और पंजाब के लोगों को एक हफ्ते इंतजार और करना पड़ेगा। बता दें, चंडीगढ़ में मौसम विभाग के प्रभारी डॉक्टर एके सिंह ने बताया कि पिछले दिनों से पंजाब और हरियाणा के लोगों को भारी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों ही राज्यों में लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। दोनों ही राज्यों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा और हवा में 50% नमी है। इस कारण अमूमन दोनों ही राज्यों में पूरे तरीके से ही हीट वेव महसूस की जा रही। उन्होंने बताया कि वीरवार से दोनों ही प्रदेश का मौसम करवट ले सकता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते दोनों राज्यों में बारिश हो सकती है। मेजर पार्ट ऑफ हरियाणा और पंजाब में लास्ट वीक ऑफ जून या फिर अर्ली वीक ऑफ जुलाई में मानसून आपको हिट कर ही देता है, लेकिन अभी जो हमारे वेदर पैटर्न इंडिकेट कर रहे हैं, पाँच छः दिनों तक यहाँ पर मानसून आने की संभावना अभी नहीं है। 5-6 दिनों तक हम कंटिन्यूअस इसको वॉच कर रहे हैं। हाँ, बारिश की संभावना है, लेकिन वो मानसून के चलते नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी एक प्रेजेंट है और ये एक्सपेक्टेड है कि कल से उसके चलते थोड़ी बारिश होनी शुरू हो जाएगी, और ये मेनली पहाड़ों से सटे हुए पार्ट है, जैसे कि इसमें मतलब कि नॉर्थ या ईस्टर्न हरियाणा में और पंजाब में आपको वहाँ पर बारिश होने की संभावना है, थंडर के साथ लाइटिंग और बारिश होने की संभावना है।